हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू टू चैनल नाउ गोइंग स्टार्ट विद फोर्थ चैप्टर फाइनली हम मानसीबन एंड कंपाउंड स्टार्ट करें बहुत सारे कमेंट्स थे इस चैप्टर के लिए आई नो आप लोगों को चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट ट्रस्ट मी इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है ठीक है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले तो यार एक सिंपल सी चीज बताओ मेरे को इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमने पूरा चैप्टर कार्बन पे ही क्यों है पूरा एक चैप्टर क्यों कर रहे हैं भाई हम कार्बन एंड एज कंपाउंड का क्योंकि कार्बन के अंदर कुछ खूबियां क्या वैसे तो बहुत सारी सारियाँ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बट कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं उसका पहला रीज़न है कि उसका जो नेचर है ना इस कार्बन एटम का जो नेचर है ना बड़ा वर्सेटाइल है वर्सेटाइल मतलब सबके साथ घुल मिल के रह लेता है इसीलिए इसके बारे में इसकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आई एंड हमने सोचा कि पूरा चैप्टर बना दिया जाए और वो हमें अब पढ़ना पड़ रहा है ठीक है सो वर्सेटाइल नेचर है एंड ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख सकते हो ना जितनी भी चीजें देखोगे उसमें हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कार्बन के आटम आपको मिल जाएंगे सो so, इतना ज्यादा वो उसे को हर जगह कार्बन फैला हुआ है तो उसके बारे में पढ़ना तो बनता है सो so, कोई भी आपसे पूछे कि भाई क्यों भाई कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है सो so, आप बता दो कि उसका वर्सेटाइल नेचर है सारे लिविंग हमारे जितनी भी स्ट्रक्चर्स है सब में हमें कार्बन देखने को मिलता है और भी इसकी बहुत सारी खूबियां वो आपको मिल जाएंगी ठीक है अब अच्छा ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं मैं बता दू पहले ये हम अपने मैं हैंड रिटेन नोट चाहिए मेरे एंड अगर आपको ये हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल नीचे ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप टेलीग्राम अगर यूज करते हो सिंपली गो एंड सर्च लर्न विद मानसी आपको चैनल मिल जाएगा उस चैनल को ज्वाइन करना वहां पर पी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ठीक है चलो आ जाते हैं वापिस। अब बात करते हैं कार्बन के बारे में कुछ चीजें जो आपको पहले से ही पता है एंड हो सकता है कुछ नई चीजें भी सो so, कार्बन एक नॉन मेटल है हाँ बिल्कुल पता है हमें एंड इसका एटॉमिक नंबर सिक्स होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स होता है विच मीन्स के इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिक्स ही प्रोटॉन्स हैं ठीक है प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही सिक्स है ठीक है क्लियर तो चलो अब देखो कॉन्फिग्रेशन आपको याद होगा हमने देखा था कि अच्छा कोई भी एटम है सिंपल उसका क्या स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से सेंटर में हमारे सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं एंड इसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो रिवॉल्व करते हैं ठीक है ये चीज हमें पता है एंड हमने ये भी देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अब यहाँ पे छे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थोड़े कोई भी कहीं भी घूमता रहेगा उसके भी रूल्स है कि भाई जो पहला शेल है हमारा वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इसका जो अगला शेल है यहाँ पे हमारे एट इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एंड ऑन ये हम पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में सो so, अब यहाँ पे इसके कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स छह इलेक्ट्रॉन्स दो तो पहले शेल में चले गए बाहर वाले शेल के लिए कितने बचे एक दो तीन चार बचे हमारे पास ठीक है ना सो so, इस तरीके से इसकी कॉन्फिग्रेशन निकल के आई पहले शेल में दो दूसरे शेल में चार ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई अब हमने ये देखा था कि किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है, चाहिए उसके पास दो ऑप्शन है या तो वो ये चार जो है इनको भी लूज कर दे खत्म करो कहानी ये वाला अपना जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हटाओ इसे या वो कर सकता है कि भाई कोई मुझे चार दे दो इलेक्ट्रॉन्स और तो मेरा यहां पे फोर प्लस फोर एट इलेक्ट्रॉन से मेरा ऑप्टिक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो दो ऑप्शन है या तो गेन कर लो या लूज कर लो पर अगर वो ऐसा कर ले तो, तो उसके लिए पूरा चैप्टर ना बन पाता अब उसने बोला कि ना तो मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला हूं ना ही मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाला हूं तो भाई सबने पूछा कि अपना ऑप्टिक सर्कल कैसे कंप्लीट करोगे तो उसने कहा कि मैं करूंगा शेयरिंग शेयरिंग मतलब कि मैं अपने चार इलेक्ट्रॉन दूसरों से शेयर करूंगा समझ में आया सो अब यहां से इसको ऊपर कर लेते हैं एक चीज और जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हमारे एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करके अपना ऑप्टिक सर्कल कंप्लीट करते हैं वो बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड एंड जो कार्बन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं अब कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ खूबियां हैं वो पढ़ लेते हैं बॉम्ब सॉरी बॉम्बस नहीं बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कोवल एंड बॉन्ड्स बनते हैं इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वीकर इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स होता है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड उनसे कंपेयर करोगे तो इनके जो इंटरमोलिकुलर वो है स्पेस फोर्स है वो कम है एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये कोवर एंड बॉन्स वाले पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ठीक है थीके? अब इससे पहले हम आगे इसके और टाइप्स पे जाएं एक बार थोड़ी सी कार्बन को भी सफाई देने का मौका दे देते हैं कि जब उसने इतनी दिखा के बोला कि ना मैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करूंगा ना मैं लूज करूंगा सो so ऐसा क्यों है वाई कार्बन इज नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स क्यों वो ऐसा कर रहा है क्योंकि देखो गेन वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया ना इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं सिक्स ही हमारे पास प्रोटॉन्स हैं एंड इसमें सिक्स ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं न्यूट्रल होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, है अब अगर वो चार और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो बीच में जो हमारे ये छः प्रोटॉन्स और छह न्यूट्रॉन्स बैठे ना वो डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना इसलिए वो गेन भी नहीं कर सकता एंड अगर वो सोचे कि मैं अपने जो चार इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दू तो वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हर कार्बन का आइटम चार चार अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे इतनी एनर्जी नहीं है ठीक है so सो कोई अगर आपसे पूछे भाई कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे शेयरिंग क्यों कर रहे क्योंकि भाई ना वो गेन कर सकते हैं ना लूज कर सकते हैं और ये, ये उसके रीजन हो गए ठीक है चलो अब वापस आ जाते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड पे अभी हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा भाई कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं अब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के भी तीन टाइप होते हैं जिसमें पहला है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास हाइड्रो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है वन होता है तो जब आप उसका एटम ड्रॉ करोगे ये बीच में बना है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही है तो इसके पास क्या ऑप्शन है या तो अगेन इसके पास भी वही है कि या तो ये एक गेन कर लेता या वो एक लूज कर देता है एक लूज कर, कर देता तो खत्म ही कहानी हो जाती और गेन वो करने पाए तो वो भी कर रहा है शेयर कितना वन, so, अगर यहां पे देखो, तो दो हाइड्रोजन के आटम्स आए. यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन एक, एक ले, आया, एक ये ले आया, एक दोनों साथ में मिले और इन्होंने मिलके बना लिया एक कोवेलेंट बॉन्ड और क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करते ऐसे सिंगल लाइन से ठीक है उसके बाद ऑक्सीजन जैसा है

छः ठीक है अभी भी उसको अपने ऑप्टिक सर्कल करने के लिए कितने का चाहिए दो और चाहिए सो so, दो इलेक्ट्रॉन उसने कहा मैं किसी से शेयरिंग बेसिस पे ले लूंगा दो ऑक्सीजन के मिले इन्होंने दो लिया अभी आप इसके काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छ और साथ में ये सात आठ जो वो शेयर कर रहे हैं इसके गिन लो एक दो तीन चार पाँच छ और साथ में सात आठ जो वो शेयर कर रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से डबल कोवैलन बॉन्ड हो गया एंड अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उसका टॉमिक नंबर सेवन होता है उसका ये ड्रॉ करके देख लो ये सेंटर में है ये बनाया हमने पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बाहर वाले में कितने आएंगे हमारे पास सात थे तो एक दो तीन चार पांच ही आप पाएंगे तो दैट मीन्स अब उसको कितने और चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन और चाहिए वो भी कह रहे हैं मैं तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा तो इस तरीके से वो अपने अपने यहाँ पे एटम्स लेके बैठे उन्होंने ये तीन शेयरिंग पे लगा दिए दोनों के पास ही अब तीन तीन एक्स्ट्रा हो गए ठीक है समझ में आया सो so, ये था अबाउट नेक्स्ट बात करते हैं जूम कर लेते हैं इसको ऑल्सो भी लग रहा है नोट्स क्लियर नहीं, नहीं मतलब नहीं रीडेबल हो रहे वीडियो में तो डोंट वरी मैं आपको बता चुकी हूँ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रिंट आउट निकाल लो या पीडीएफ फॉर्म में या क्लियर नोट्स देख सकते हो ठीक है चलो अब बात करते हैं हाउ कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड अब ये जो कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे बना पाता है तो इसके दो रीजन है पहला है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब अपने ही तरह के एटम से अपने ही तरह के एलिमेंट से आप लिंक कर पाते हो सो एटम्स अपने जैसे एटम्स के साथ मिल मिलकर चेन या रिंग्स बना सकते हैं सो so, इसको क्या बोलते हैं वी कॉल दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जैसे कि कार्बन का एक एटम है ये एक दो तीन चार हो गया अब इसके आगे फिर एक कार्बन का लग गया इसके भी चार ये ये एक और कर तो ये आपस में अपने एटम से से ही कर पा रहा है सो तो जो इस तरीके ये चेन हो गया उसके आगे जैसे अब यहाँ पे था एक जी चलो ये तो चेन बनी रही है यहां से भी एक कार्बन ने ज्वाइन कर लिया तो अब इस तरीके से आगे तो इसको हम बोलते हैं ब्रांच एंड इसी में ही इस तरीके से क्लोज चेन बनेगी तो उसको हम बोलते हैं ंग ये सारे इसके स्ट्रक्चर हो गए कैसे कार्बन क्योंकि देखो ना भाई एक कार्बन के पास तो चार है वो चारों तरफ से जाके किसी से भी अटैच हो सकता है ठीक है चलो अब बात करते हैं एक तो तारीफ ये हो गई भाई कि एक एक है ये कैटिनेशन है इसकी वजह से क्योंकि अपने जैसे अपने कार्बन और और के साथ ज्वाइन कर सकता है इसलिए अपने और कंपाउंड्स बना पाता है एंड एक और इसकी खूबी है दैट इज टेट्रावेलसी टेट्रा वेलेंसी मतलब क्या होता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी होती है फोर दैट मीन टेट्रा का मतलब होता है फोर और वैलेंसी तो कार्बन की वैलेंसी होती है फोर नाउ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद फोर अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट सो अभी मैंने बताया क्योंकि इसकी वैलेंसी फोर है सो so वो अपने जैसे चार और कार्बन के साथ तो बना ही सकता है साथ में चार और मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ बना सकते हैं अब ये मोनोवैलेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं ऐसे है। देखा हाइड्रोजन की है। so, ये आगे जाके, जैसे एक कार्बन है तो लिया इस तरीके से ठीक है समझ में आई ये चीज सो so, क्यों वो अपने कंपाउंड बना पाता है बिकॉज वन रीजन कैटिनेशन क्या होता है बता दिया एंड ट्रेट्रा ठीक है अगेन लेट्स जूम दिस अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हुए चलना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं अब इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है हाइड्रो एंड कार्बन मतलब एनी थिंग एनी कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन यहां से लिया हाइड्रो एंड कार्बन तो ऐसी कोई भी हमारा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ठीक है चीके? अब इसमें भी दो तरह के आते हैं एक आता है saturated. Saturated में आएंगे सिंगल मतलब ये आपस में बना तो रहे लेकिन सिंगल बनाएंगे एंड आते हैं जिसमें ये डबल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं अब इन सब के भी कुछ नेम्स हैं क्या नेम्स हैं आज देखते हैं सो so, जी अगर सिंगल सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं सो so, उनको हम बोलते हैं देम एलकेन्स अगर वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं एलकेन्स क्या बोलते हैं एलकेन्स एंड अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं सो हम उनको बोलते हैं एलकाइन्स ठीक है अब यहाँ पे ये यह बहुत सारे इस तरीके के बना सकते हैं डिपेंड करता है कार्बन कितने हैं उस हिसाब से बना सकते हैं एंड इन सब के लिए आपको सब रटने की जरूरत नहीं सिंपल बस फॉर्मूलाज याद करो हो जाएगा क्या फॉर्मूला है अगर हम की बात करें तो है मैं ना यहाँ बड़ा बड़ा लिखती रहती हूँ साथ साथ +2. क्या मतलब है इसका कि भाई अगर कार्बन है वन ठीक है तो हाइड्रोजन कितना होगा टू एन की जगह लिखो वन प्लस टू ये हो गया कार्बन वन हाइड्रोजन टू वन ज टू प्लस टू फोर सो ये आ गया सी वन एच फोर इसी तरीके से अगर टू है तो यहाँ टू ले टू टू झा फोर प्लस सिक्स ये हो गया सी टू एच सिक्स अगर सी थ्री है तो एच एट होंगे सी फोर है तो एच टेन होगा ठीक है तो ये सारे बन गए एंड अब चलते हैं एल्किन्स में अब यहाँ पे एक गलती मत करना जैसे आप कहोगे अगर एक कार्बन है सिंगल कार्बन है तो बताओ जी ये होगा सी वन एच टू वन टू क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों ये गलत है क्योंकि अगर हम और एल्काइन्स की बात कर रहे हैं वहां पे हमने पहले ही बोला कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है सो so, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन का एक एटम वो चीज कैसे करेगा हमें कम से कम दो एटम्स तो चाहिए तभी वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं नोट्स में हर एक चीज आपको लिखी हुई मिलेगी डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल कार्बन में नहीं हो सकता कम से कम दो कार्बन चाहिए सो so, यहाँ पे कार्बन वन की लाइन इसकी खाली रहेगी कार्बन टू पे चलो ये तो बहुत सिंपल है का क्या एल्किच टू एन मतलब जितना आपका कार्बन होगा टू से मल्टीप्लाई कर दो उतना हाइड्रोजन होगा जैसे अगर ये टू ले रहे हो टू टू जै फोर थ्री टूजा टू जै एट सो ये आ गया सी टू एच फोर सी थ्री एच सिक्स सी फोर एच एट ठीक है जी चलो आगे चल लो अब हम बात करेंगे एल्काइन्स की जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं सो so, इसका फॉर्मूला क्या है सी एन एच टू एन माइनस टू देखो वो था यहाँ पे प्लस टू देन हमारा सीधा सिर्फ टू एन देन टू एन के साथ माइनस टू आ गया अब देख लो अब यहाँ शुरू का टू से ही हो रहा है अगर कार्बन के दो एटम्स तो ये हाइड्रोजन के कितने होंगे में से टू गया टू अगर कार्बन के थ्री है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे थ्री टू झा सिक्स सिक्स में से टू माइनस कर दो फोर अगर कार्बन के फोर है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे फोर टू झा एट एट में से टू माइनस कर दो सिक्स ठीक है समझ में आया तो इस तरीके से वो अपने बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है ठीक है चलो अब यहाँ पे एक चीज और देखो आपस में ना सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड है अब ये जो हमने यहाँ पूरा ये जो ग्राफ बनाया मैं ये सारा ये आपको समझ में तो आ गया ना इसको हटा रही हूँ फिलहाल के लिए हटाना मतलब जो मैंने लिखा है उसको हटा रही हूँ सिर्फ ठीक है चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को देखें ये जो हमने बनाया है इसमें अगर हम इनका डिफरेंस देखते हुए चले सो so, देखो कार्बन का एक कार्बन का डिफरेंस है एक के बाद दो हुआ दो के बाद तीन तीन के बाद चार तो एक, -एक का डिफरेंस चल रहा है फोर और सिक्स हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है दो का इसमें देख लो कार्बन का एक का डिफरेंस आठ में से छह गया दो हाइड्रोजन का दो का डिफरेंस फिर इसमें से देख लो दस में से आठ कार्बन का एक और हाइड्रोजन का दो यहाँ पे चल लो यहाँ पे अगेन कार्बन का एक का डिफरेंस इसका हाइड्रोजन का दो का अगेन कार्बन का एक का डिफरेंस हाइड्रोजन का दो का यहाँ पे देख लो कार्बन का एक का डिफरेंस हाइड्रोजन का दो का यहाँ पे देख लो कार्बन का एक का हाइड्रोजन का दो का सो so अब ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ भाई कि इसमें इतना डिफरेंस है सिंगल कार्बन एंड डबल हाइड्रोजन सो सब में सी का डिफरेंस है और जिन भी यहाँ पे जब हम इस सीरीज में देखते हैं किसी को जिसमें सी का डिफरेंस होता है देन वी कॉल एट होमोलोगस सीरीज हम क्या बोलते हैं उसको वी कॉलेड होमोलोगस सीरीज तो कहीं पे भी आपको होमोलोगस सीरीज के बारे में आएगा तो उसकी क्या खूबी है भाई उनके बीच में सी एच टू का डिफरेंस होता है ठीक है और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिमिलर होता है सो so जो भी हमारे होमोलो होमोलोगस सीरीज में है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा देन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो एंड सक्सेसिव कंपाउंड डिफर्स बाय सी एच टू ग्रुप ठीक है हर हर इस कंपाउंड में सी एच टू का डिफरेंस है ठीक है चलो अब इसी के ही साथ जो हमने होमोलोगस पढ़ा इसी में ही हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप अ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है थोड़ा सा इसको जूम करते थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको चलो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है नाउ ग्रुप ऑफ एटम्स डिफाइन द फंक्शंस फंक्शंस किस फंक्शंस की बात हो रही है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी ये कौन डिफाइन कर रहा है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रो हाइड्रोकार्बन दैट दे आर अटैच टू जिसके हाइड्रोकार्बन से वो अटैच हैं मतलब जैसे अगर उनके पीछे ओ एल लगा है तो वो एल्कोहल फैमिली के हैं मतलब फंक्शनल ग्रुप के हैं अगर उनके पीछे ए एल है तो वो एल डी एल फंक्शनल ग्रुप के हैं अगर उनके पीछे ओन है तो वो कीटोन फंक्शन ग्रुप के हैं एंड अगर कोई भी हमारा एल्कोहल वाली में है तो उसकी प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं जैसे एल्कोहल एंटीसेप्टिक्स के लिए यूज होता है देन अगर कोई एल में है तो उसका फ्लेवर अच्छा होता है तो आइसक्रीम्स बन सकती है अगर कोई कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है तो उसमें हम मेडिसिन के लिए उसको यूज कर सकते हैं मतलब हर ग्रुप का अपना अपना कुछ है एंड इसको कैसे दिखाते हैं कैसे आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो लिखते हो जब भी ओ लास्ट में लगता है मतलब एल्कोहल ग्रुप का है तो साथ में

और ये वाला जो है मैंने जान के यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल लिया दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बना हुआ ये खाली है जहां पे खाली क्योंकि ऊपर का तो ये और ये तो सेम ही है जो खाली वाला है वो हमारा ओ एन ई मतलब कीटोन फैमिली का है एंड जिसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी है वो हमारा ये जिसके लास्ट में ए एल आएगा एंड वो है एल डी हाइट फैमिली का ओके समझ में आया अभी और क्लियर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप जब हम नेम्स पढ़ेंगे और नेम्स हम किस में पढ़ेंगे नोमैन क्लेचर इसको जूम कर लेते हैं ये भी ध्यान से समझना जब करोगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है लेकिन ना इसमें मज़ा रखने के लिए ना इसको जरा हम हटा देते हैं इनके नाम्स को, को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सस्पेंस रहे और आपको भी मजा आए करने में सो तो ये जो हमने आंसर्स लिखे हुए हैं ना वो मैं रिमूव कर रही हूँ सो तो यहाँ पे मैंने सारे नेम्स रिमूव कर लिए ताकि जब हम करें तो हम खुद करके देखेंगे ठीक है आप ऐसा ना हो कि पट पढ़ के देख रहे हो कि हाँ ये तो ईजी लग रहा है चलो तो टॉपिक है हमारा नोमेन कल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स अब भाई ये नोमेन का मतलब क्या होता है नोमेन बेसिकली मीन्स गिविंग नेम्स टू थिंग्स जैसे एक पर्टी सिर्फ ये यहाँ पे केमिस्ट्री में ही नहीं बायोलॉजी में भी इसकी टर्म है ये नॉर्मल भी वर्ड है तो भाई नॉमेन क्लेचर का मतलब होता है इनके नाम देना ठीक है अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे बन सकते हैं कंपाउंड इसीलिए आयु पैक ने कहा कि भाई एक रूल सेट कर लो उसी हिसाब से इनके नाम रखे जाएंगे कि नाम में आपको पता चल जाएगा उसमें कितने कार्बनज है वो किसी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है सब पता चल जाएगा सिर्फ एक नाम से और वो नाम कैसे बनेंगे यहां पे देखते हैं सो so, नाम बनाने के लिए उन्होंने कहा एक तो सबसे पहले होगा हमारा वर्ड ठीक है और वो वर्ड क्या होगा वो डिपेंड करेगा हमारे नंबर ऑफ कार्बन में मतलब उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है एक है तो लगेगा इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर लेती हूँ यार अगर एक कार्बन है तो मीथ लगेगा दो है तो ईथ लगेगा तीन है तो प्रॉप लगेगा चार है तो ब्यूट लगेगा पांच है तो पेंट लगेगा सिक्स है तो हेक्स लगेगा सेवन है तो है लगेगा एट तो तो है तो ऑक्ट लगेगा नाइन है तो नॉन लगेगा एंड टेन है तो डेक लगेगा ठीक है so, सो जहां पे भी आपको ये अब लिखेंगे ना जैसे मीथेन प्रोपेन ये सब हम वर्ड पढ़ते हैं ना तो नाम से ही पता चल जाएगा अगर मीथ आए तो मतलब उसमें एक नंबर ऑफ कार्बन है अगर ब्यूट आ गया तो मतलब उसमें चार कार्बन है अगर हेप्टा गया मतलब उसमें सात कार्बन है समझ रहे हो इस तरीके से नेमिंग ये हमारा रूट वर्ड हो गया नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ठीक है कार्बन के कंपाउंड्स है ना अब इसमें लगते हैं प्रीफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं जो वर्ड के आगे लगते हैं मतलब इस मीट के आगे लगेंगे वो कब कब होगा अगर आपके पास ब्रोमोन है तो ब्रोमो लगेगा सीएल है तो क्लोरो लगेगा एफ है तो फ्लोरो लगेगा आई है तो आई डो लगेगा ये आपके है जो आगे वर्ड एडोगे सारे सब टाइप के एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े से मैंने इसमें लिए हैं तो एट दी एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अभी सुनने में हो सकती है कि पता नहीं क्या कह रही है मैम लेकिन अभी जब हम करेंगे नेमिंग तो आपको समझ में आ जाएगा देन बात करते हैं इसी रूट वर्ड के पीछे क्या लगेगा अभी हमने देखा प्रीफिक्स आगे क्या लगेगा अगर ये चीज है तो लगेगा नहीं तो वो यही मीत ईथ और इसी से स्टार्ट होगा ठीक है अब बात करते हैं सफिक्स मतलब इसके पीछे क्या सिर्फ हम ऐसे तो लिख के तो नहीं छोड़ देंगे या ब्रोमो के तो नहीं छोड़ देंगे तो इसमें दो तरह के हमारे सफिक्स होते हैं एक तो है टाइप ऑफ बॉन्ड ये तो होगा ही होगा अब उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लगेगा अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लगेगा अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई लगेगा ठीक है कैसे बॉन्ड है वो हमें दिख जाएगा ऐसे 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 चल रहे हैं तो भाई सिंगल बॉन्ड है अगर कहीं पे ऐसे आ जाए तो भैया वो डबल बॉन्ड है कहीं पे ऐसे ऐसे करके आ जाए तो भाई ट्रिपल बॉन्ड है इस तरीके से ठीक है एंड और साथ में ये तो लगेगा ही लगेगा साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अगर कोई फंक्शनल मतलब जैसे इसी के ही साथ कहीं पे ऐसे करके दे दिया या साथ में चलो एच लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा वो हमारे इस फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है तो इसमें लास्ट में ए एल लग जाएगा अगर उसमें स्लैश ओ एच है तो हमारा ओ एल हो जाएगा अगर उसमें सिर्फ ये ऊपर वाला है तो ओ एल ही लग जाएगा अगर इसके साथ ऊपर ओ तो है ही साथ में ओ एच भी है तो ओ एक एसिड लग जाएगा ठीक है तो ये सब अभी हमें करके दिखाऊंगी समझ में आएगा एक छोटी सी चीज आगे बढ़ने से पहले जब भी कहीं कहीं पे होगा फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम टाइप ऑफ बॉन्ड पे ही खत्म कर देंगे जैसे सिर्फ अगर है मीथ प्लस एन तो मीथेन मिल गया हमें या ब्यूट प्लस ए ब्यूटिन मिल गया खत्म अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा मतलब अगर कहीं पे आके आपको टाइप ऑफ बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक साथ लिखना है जैसे ए एन ई लिखा आपने और साथ में अब आपको ओ एल लिखना है जब भी आप इन दोनों चीज़ों को साथ लिखोगे ना ये जो लास्ट की ई है ना ये हट जाएंगे जैसे अगर मेरे पास है एम ई टी एच यहाँ से लिया मैंने मीथ यहाँ से मेरे पास आना था एन ई -E, प्लस मेरे पास आना था ये फंक्शनल ग्रुप ओ एल सो हम क्या करेंगे इसकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे मीथिन ई हटा दिया ओ एल तो बन जाएगा मेथनॉल ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा चलो इसको हटा देते हैं अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अभी तक भी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं मैम तो क्या ही कही जा रही है सो so, अब जब हम इस टेबल की हेल्प से इनके नाम लिखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी सिंपल चीज थी ठीक है चलो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले ये देखते ही मुझे बता दो आपको ये बी आर सी एल एफ आई कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा भूल जाओ कोई पर फिक्स नहीं लगेगा सीधा रूट वर्ड पर जंप कर जाओ कितने कार्बन है वन टू थ्री तीन कार्बन है सो so, क्या वर्ड यूज होगा प्रॉप सो पी आर ओ पी प्रॉप वर्ड यूज होगा हमारा प्लस नेक्स्ट क्या देखना है टाइप ऑफ बॉन्ड देख लो सिंगल यार यहाँ डबल लाइन है तो कौन सा है हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा है डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं ई एन ई ठीक है प्लस e -E. कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके का अगर ना तो ओ एच एन ऊपर ऐसे कहीं ओ लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं कुछ प्लस नहीं होगा सिंपल बस ये लिखा क्या नाम आ गया हमारे पास R O P E N E मतलब नाम पढ़ने में हो सकता है मतलब कुछ मिस कर दो तो समझ जाना प्रोपीन बना ठीक है नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे आ जाओ अब इसमें देख लो जरा हमारे पास क्या यहाँ पे आपको इसमें से कुछ दिख रहा है बी आर सी एल एफ आई कुछ नहीं है भूल जाओ क्या है नेक्स्ट हमें देखना है रूट वर्ड क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं एक दो तीन चार इसको देखना है कहीं सोचो ही, तो इसके साथ है भूल जाओ चार कार्बन चार कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूटी ब्यूट हो गया हमारे साथ प्लस नेक्स्ट देखना है यहां पे गलती हो सकती है ध्यान से सुनना टाइप ऑफ बॉन्ड अब टाइप ऑफ बॉन्ड देखना है आप कहोगे कि मैम ये सी के ऊपर ना ऐसे है तो ये डबल बॉन्ड है नहीं कहा देखना है हमने इधर देखो कहीं डबल बॉन्ड है बिल्कुल नहीं है सिंगल बॉन्ड है ये जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है उसमें देखेंगे हम यहाँ पे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है सारे कार्बन के इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है सो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ए एन ई प्लस क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है तो वो भी ऐड हो जाएगा अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास ऊपर ओ साथ में ओ एच ऊपर ओ साथ में ओ एच कौन सा है एसिड तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा ओ एक एसिड अब मैंने क्या बताया था जब भी हमारे पास बॉन्ड और, और फंक्शनल ग्रुप साथ में होगा तो जी हमारा ये जो ई है इसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा हमें तो स्पेलिंग क्या बनेगी बी यू टी एन ओ आई सी एसिड कौन सा बनाइए ब्यूटेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड ठीक है आई होप क्लियर हो गया चलो अब तो इजी लग रहा होगा यार अब तो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इस पे आ जाओ h3c एंड cl अरे कुछ दिखा क्या दिखा cl दिखा हमें यहाँ पे दिख गया ना cl सो so, अगर cl है तो सबसे पहले ही क्या लगेगा क्लोरो ये हमने cl का क्लोरो पहले ही लगा दिया प्लस अब बात कर देते हैं रूट वर्ड की रूट वर्ड क्या है नंबर ऑफ कार्बन गिनो एक अगर किसी ने बोला दो है तो कसम से पिटाई होगी क्यों भाई ये क्लोरीन है ये क्यों कार्बन का काउंट करोगे ये तो क्लोरीन हो गया ना इसके लिए तो क्लोरो लिख लिया ना कार्बन कितना है सिर्फ एक कार्बन है यहाँ पे सो so, क्या होगा नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लोरो प्लस एक कार्बन के लिए मीथ ठीक है प्लस अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है सिंगल लाइन है सिंगल बॉन्ड है मतलब ए एन ई एन हो गया प्लस फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा तो कुछ प्लस नहीं होगा हटाओ सो हो so, नाम क्या बन गया इसका बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रही हूं मैं अब मत कहना मैम चैप्टर डिफिकल्ट है या समझ में नहीं आया चलो लास्ट दो वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि चलो आपको कोई होमवर्क दे देंगे आप करके बताना पर वैसे नहीं यार होमवर्क दे सकते हैं पहले खुद करना और फिर नोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा या मैं करा ही देती हूँ यार ऐसा लगेगा मैम पूरा चैप्टर करा दे यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन छोड़ दी तो छोड़ो आ जाओ चलो वैसे पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो यार दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद इनके नाम लिखो फिर क्रॉस चेक करो कि कैसा हो रहा है ठीक है चलो अब मैं कराती हूँ सी एच थ्री सी एच ओ सो so, यहाँ पे प्रीफिक्स कोई भी नहीं है छोड़ दो रूट वर्ड पे चलते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं एक दो क्या हो गया ईथा आएगा E T e, H लिख दिया हमने नेक्स्ट देखो अब हमारे पास क्या टाइप ऑफ बॉन्ड सिंपल दिख रहा है सिंगल लाइन है तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड A N E प्लस फंक्शनल ग्रुप अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन है देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास लास्ट में सी एच ओ कोई भी ये गलती मत करना कि भाई ये ओ एच है या एच ओ हो एक ही बात है नहीं बिल्कुल एक बात नहीं है ठीक है एंड अब क्या बन रहा है फिर ओ और एच कहा से आ रहा है यहाँ पे देखो जरा ओ और एच इसमें है ना बस वो डबल नहीं है सिंगल के साथ है तो क्या हो गया भाई मानेंगे तो सही ना हम ओ एच है सो ये हो जाएगा प्लस ए एल और अगर प्लस ए एल हो रहा है फंक्शन ग्रुप प्लस हो रहा है तो हमारा ई e हट जाएगा तो ये बन जाएगा ई टी एच एन ए L मतलब इथनेल इथनेल बन गया हमारा ठीक है अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं फटाफट इसमें देखो इनमें से कोई नाम नहीं है इसको हटा दो सीधा वर्ड पे आ जाओ कितने कार्बन है एक दो तीन कार्बन है तीन कार्बन के लिए क्या यूज होता है पी, पी प्रॉप प्लस अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी है ये वाला ये वाला जो ओ है इसको मत गिनना सिंपल की कौन सी ये सिंगल बॉन्ड है वो फंक्शन के लिए ठीक है सिंगल बॉन्ड मतलब एन लगेगा ए एन ई प्लस फंक्शनल ग्रुप आप देख लो कौन सा है यहाँ पे सी के ऊपर ऐसे ओ तो है इधर और इधर यहाँ पे देख लो इन सब में क्या क्या ऑप्शन है एक में तो है ओ एच तो ओ एच तो नहीं है हटा दो एक में है खाली एच तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे एच लगाओ नहीं है सो दैट मीन्स ये जो दोनों तरफ से खाली है ओ एन ई वाला वो वाला है ये तो प्लस ओ एन ई -E. ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा चलो क्या नेम अच्छा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ चलो तो इसका क्या नेम हो जाएगा पी आर ओ पी एन ई हट जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डाल दिया ओ एन ई सो ये आ जाएगा प्रोपेनॉन ठीक है समझ जाओ जो भी नाम है सो so, अगर आपको ये टेबल जो यहाँ पे टेबल बनी हुई थी इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है ये टेबल अच्छे से याद है तो आप कोई भी कंपाउंड को इस तरीके से नेम दे पाओगे ठीक है आई होप ये समझ में आ गया होगा चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसको जूम कर लेते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन अब एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है पहले तो यही देख लेते हैं, इधर नीचे आ जाओ भाई एलोट्रॉप्स होता है वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट अब अलग अलग फॉर्म में एक वही एलिमेंट जैसे यहाँ पे हम कार्बन की बात करें तो जब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स देखेंगे तो उसका मतलब है कार्बन ही एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अलग अलग फॉर्म में सो so, कार्बन के तीन एलोट्रॉप है वन इज डायमंड सब ने सुना हुआ है डायमंड रिंग्स हम पहनते हैं डायमंड की ज्वेलरी होती है वैसे भी डायमंड के बहुत यूजेस होते हैं सो डायमंड डायमंड्रेफाइट ग्रेफाइट भी पता है पेंसिल की लिप में क्या होता है ग्रेफाइड होता है और एक होता है फुल ठीक है फुटबॉल से इसका स्ट्रक्चर होता है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड की सो so, जब हम डायमंड की बात करते हैं इसका एक थ्री नेटवर्क होता है थ्री नेटवर्क में ये ऐसे ऐसे करके अपने आप का स्ट्रक्चर बनाते हैं थ्री डी नेटवर्क नेटवर्क विथ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड तो जितने भी सर्कल दिख रहे हैं ये सब क्या है दीज आर कार्बन सो कार्बन का स्ट्रॉ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन के ये डायमंड बनता है थ्री डी नेटवर्क में एंड इट इज हार्ड इन नेचर आपको पता है डायमंड हमारा हार्डेस्ट स्टोन होता है देन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इसको ऊपर कर लेते हैं देन इट शाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आपको पता है डायमंड पे जब लाइट पड़ती है तो कैसे मस्त शाइन करता है ना सो इट शाइन्स इन द प्रेन्स ऑफ लाइट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है इट इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज ज्वेलरी बनाने में यूज होता है एंड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स जो कटिंग और ड्रिलिंग वाले टूल्स बनते हैं उसमें भी हमारे डायमंड यूज होता है ठीक है देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की सो ग्रेफाइट हमारा क्या होता है ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर थ्री कार्बन एटम टू फॉर्म हेक्सागनल रिंग्स अब यहाँ पे एक कार्बन हमारे तीन अलग कार्बन से अटैच है और इस तरीके से के वो हेक्सागनल रिंग्स बना रहे हैं इस तरह से हेक्सागन बनाते हुए चल रहे हैं ठीक है सो ये देखते ही आपको स्ट्रक्चर देखते पता चल जाएगा कि ये ग्रेफाइट का है ठीक है नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं एंड ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट मशीन पार्ट में जो ड्राई लुब्रिकेंट होता है वो उस वो बनाने में इसका यूज होता है एंड हमारी पेंसिल्स में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है ठीक है वहां पर यूज होता है अब हमारा बचता है इसको अगेन जूम कर लेते हैं फुलरीन की अगर बात करें तो 60 कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल ये ऐसे राउंड फेयर सी शेप में फुटबॉल की शेप में 60 कार्बंस हमारे अटा, अरेंज होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं एंड दे कंटेेंस 20 हेक्सागंस 20 इसमें हेक्सागंस बन रहे हैं और 12 पेंटागन 6 uh, 20 हेक्सागंस का मतलब जिसमें 6 साइड्स हैं एंड पेंटागंस का मतलब होता है फाइव साइड ठीक है ठीके? तो ये पूरे स्ट्रक्चर में ट्वेंटी है और ट्वेल्व पेंटागंस बना रहे, रहे ठीक है क्लियर चलो यहाँ से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो की है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन सो अब कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं कंबशन कंबशन का मतलब क्या होता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग कोई चीज बर्न करना होता मतलब है में ठीक है नाउ वेन कार्बन बर्न इट गिवस जब कार्बन को बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देता है जब भी कार्बन बर्न होगा सीओ टू पास होगा लाइट मिलेगी और हीट मिलेगी सो so, अब इसमें भी दो तरह का होता है एक है सैचुरेटेड एक है अनसैचुरेटेड मतलब जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं ना वो हमेशा ब्लू कलर का फ्लेम देंगे एंड उसमें आप देखो कैंडल्स वगैरह में या दिया वगैरह लगाते हैं हम उसके ऊपर ऐसे हाथ करते तो काला काला हो जाता है उसको हम बोलते हैं सूटी 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 फ्लेम, सो so, नॉन का मतलब है कि कोई ब्लैक पार्टिकल नहीं होता उसमें so, जो भी से बने, जो भी है, उसका जो फ्लेम, फ्लेम निकलेगा निकले वो ब्लू नॉन सूटी होगा एंड हटाओ इसको अनसेचुरेटेड की बात करें सो so, वो येल्लो सूटी फ्लेम देता है अनसेचुरेटेड मतलब जो हमारे डबल डबल बॉन्ड से बने हैं ठीक है ठीके? ना नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंबर्शन देख लिया हमने नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन ये भी ध्यान से देखना इसको इतना ध्यान से सुनना कि अभी आगे एक और जगह ये यूज होगा तो आपको याद रहे सो so, ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है इट इज केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करने की हिम्मत रखता है केपेबिलिटी रखता है अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे होते हैं एक है एल्कलाइन पोटैशियम पर मैगनेट एल्कलाइन पोटेशियम पर मैगनेट और एक है एसिडिफाइड पोटेशियम डी ठीक है ये दो हैं हमारे पास इनका काम क्या है जब आप एथेनॉल में इसको ऐड करोगे तो वो हीट देगा एथेनॉल क्यों बोला मैंने एथेनॉल क्या है कार्बन का ही कंपाउंड है ना भाई सो जब आप एथेनॉल में इसको इन दोनों में से किसी को भी ऐड करोगे हीट दोगे साथ में तो आपको मिलेगा एथेनॉइक एसिड क्या मिलेगा हमें एथनॉय एसिड सो ये हो गया हमारा कार्बन की ऑक्सीडाइजेशन ठीक है आगे देख लेते हैं इसको जूमआउट कर लेते हैं आई थिंक नेक्स्ट पेज पे जाना है हमें चलो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं जूम कर लेते हैं थर्ड हम केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड रिएक्ट विद मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन क्लोरिन प्रोमिन एटसेट्रा इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके सेचूरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाता है क्या हमने बोला अनसे कंपाउंड इनमें से किसी इस तरह के किसी मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बनाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेते हैं जैसे कि हम अगर इथेन का एग्जाम्पल इसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें इसका टेम्परेचर इतना रखें और एक कैटलिस्ट ऐड कर एड कैटलिस्ट का काम क्या होता है जो भी रिएक्शन है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता है ठीक है उसकी स्पीड रेट ऑफ स्पीड बढ़ा देता है सो उसमें आप कैटलिस्ट यहाँ निकल लिखा है प्लेडियम प्लेटिनम कुछ भी रख सकते हो ठीक है ये हमने साथ में कैटलिस्ट रखा एंड हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला इथेन ये जो था दिस थाचुरेटेड जो हमें मिला दैट इज सैचुरेटेड तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड ने रिएक्शन किया मॉलिक्यूल के साथ और हमें पकड़ा दिया एक सैचुरेटेड कंपाउंड और इसकी एप्लीकेशन में जो वाइडली यूज एप्लीकेशन है दैट इज इट इज यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है सिंपल हाइड्रोजन ऐड करना सो so, जो हमारा वेजिटेबल को पास करा जाता है अगेन कोई और हीट सो so, हमें मिलता है वनस्पति घी विच मीन्स एक हमने अनसेड फॉर्म डाली और उससे हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया ठीक है एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना दी ठीक है आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट चल लेते हैं नेक्स्ट है हमारा Substitution reaction. Substitution reaction क्या है? हाइड्रोकार्बन so में जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं सो क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन सो ये क्लोरीन क्या करता है एक एक करके हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्लेस करता रहता है तभी इसका नाम सब्सटीटूशन है ठीक है जैसे कि अगर आपने मिथेन लिया उसमें से आपने क्लोरीन किया बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सो हमें मिला क्लोरोमीथेन मतलब हाइड्रोजन जितना था क्लोरीन ने उसको रिप्लेस कर दिया तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला दैट इज क्लोरोमीथेन ठीक है और साथ में एक्सीएल ठीक है आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट पे चलते हैं एक मिनट यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कुछ रह तो नहीं गया एक बार चेक कर लूँ नहीं कंप्लीट हो गया चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ इसको कर देते हैं जूम अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो हमारे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड विच इज वन इज इथेनॉल एंड अदर वन इज इथेनॉइक एसिड इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में के करके बात करेंगे हम सो so, इथेनॉल की अगर मैं बात करूँ इट इज आल्सो कॉल्ड इथाइल एल्कोहल इसको इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं एंड अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है कार्बन ने यहाँ पे एच के साथ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ किया बॉन्ड फिर कार्बन ने एक और हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन और साथ में ओ OH. एच इस तरीके से इसको हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं एंड अगर आपको इसका वो लिखना है इसका जो केमिकल नेम है तो कैसे आएगा या तो आप लिख सकते हो सी फिर एच कितने हैं थ्री फिर से सी एच कितने हैं टू और साथ में ओ OH. एच या इसको आप सिंपल लिख सकते हो सी टू एच फाइव ओ एच तो ये दोनों ही इसके क्या हो गए नेम्स हो गए केमिकल नेम्स हो गए ठीक है नेक्स्ट है इट इज़ कलरलेस एंड हैज प्लीजेंट स्मेल कलरलेस होता है उसकी स्मेल अच्छी होती है बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस वन वन फोर डिग्री सेल्सियस एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर वाटर में सोल्यूबल होता है हाईली इनटॉक्सिकेटिंग इन नेचर इनटॉक्सिक होता है एंड अगर इसकी बर्न करने की बात करें तो इट बर्नस विद ब्लू फ्लेम क्यों भाई क्योंकि सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्डिंग वाला है इसीलिए ब्लू फ्लेम देगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शंस की बात करते हैं अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो ऑक्सीडेशन कराएं ये भी मैंने अभी जब हम पहले कर रहे थे मैंने बोला था ना जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल लिया था कि ढंग से सुनना यहाँ यूज होगा सो तो हमने वहां पे भी एग्जांपल लिया था कि इथेनॉल को अगर हम एल्कलाइन पोटेशियम पर से या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराएंगे हीट के साथ तो हमें एथेनॉइक एसिड मिलेगा ठीक है ये हम पढ़ के आए थे तो ये ऑक्सीडेशन हो गया एंड देन सोडियम मेटल के साथ अगर इसका रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमें सोडियम इथोक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी देन है अगर हम इसका यहाँ पे क्यों नहीं किया अगर हम इसका कंसिडरेटेड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं ध्यान से सुनना ये अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको मिलेगा इथेन बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये क्या करेगा ये जो हमारा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग ऑज एजेंट सॉरी ओजेंट बोल रही थी मैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा मतलब किसी चीज को डिहाइड्रेट करने का क्या मतलब है उसमें से पानी निकाल देना सो so, यहाँ पे ये क्या करेगा इसमें से H2O को अलग कर देगा दैट इज इसको क्या बोला गया है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वॉटर फ्रॉम इथेनॉल जो इथेनॉल में से पानी को रिमूव कर देता है ठीक है एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है सो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल का डिहाइड्रेशन तो so, इसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आए हमारे पास इथेनॉइक एसिड अब इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया आप बात कर लेते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में सो so, जी कॉमन नेम है इसका एसेटिक एसिड एसेट, जब हमने एसिड के बारे में पढ़ा था हमें पता है ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड था ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं था इट वॉज अ वीक एसिड ठीक है तो इसका कॉमन नेम है एसेटिक एसिड एसेट, ज्यादातर हम इसको एसेटिक एसिड एसेट ही बोलते हैं एथोनॉइक एसिड कम बोला जाता है तो कॉमन नेम इसका ये है फॉर्मुलाइज इसका ये हो गया इट इज़ कोरोसिव लिक्विड है एंड इसकी जो स्मेल हो, है वो तो पंजेंट होती है तब जैसे प्याज होता है ना प्याज को टेस्ट करके देख लो या प्याज की स्मेल वैसी स्मेल होती है इसकी ठीक है देन है मिसेबल विद वाटर एल्कोहल एंड ईथर वाटर अल्कोहल और ईथर के साथ इसको आराम से मिक्स करा जा सकता है टू एसिटिक एसिड प्लस वाटर गिव्स विनेगर सो पानी में अगर हम फाइव से एट डालेंगे तो हमें विनेगर मिल जाएगा देन hey, है है मेल्टिंग पॉइंट इसका के इन विंटर जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में घी होता है क्या होता है बड़ा बड़ा जम जाता है ना गर्मियों में तो मस्त वो मतलब क्या लिक्विड उसमें होता है देन वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है इसका भी यही है इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है ठीक है चलो अब इसके रिएक्शन देख लेते हैं ये कैसे कैसे रिएक्शन करता है So, भाई अगर हम इसका एल्कोहल से रिएक्शन कराए सो so, अगर एथेनोइक एसिड का एल्कोहल मतलब हमने यहाँ पे एथेनॉल ले लिया एथेनॉल से आपने कराया एंड साथ में कोई एसिड डाल दिया एज ए कैथलिस्ट तो हमें मिलेगा ईस्टर और पानी और क्योंकि यहाँ पे हमें ईस्टर मिल रहा है तो इस रिएक्शन को हम ईस्टरफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं ठीक है क्लियर आगे बढ़ जाओ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं बेस के साथ अब ये देखो तो बड़ी बेसिक चीज है यार हम क्या पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में पढ़े एसिड का बेस से हम कराएंगे क्या होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है मतलब एसिड और बेस मिलके क्या देगा हमें सोल्ट एंड वॉटर सो अगर हमने एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अपना ये एसिडिक एसिड ले लिया इसका हमने रिएक्शन कराया तो हमें मिलेगा सॉल्ट कौन सा सोडियम एसिडेट एंड साथ में पानी मिलेगा वॉटर मिलेगा ओके देन नेक्स्ट है अगर हम इसका कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते सो so, अगेन जैसे एसिड का रिएक्शन होता है वही सेम होगा सो so, यहाँ पे हमने ले लिया एन या एन ए सो जब भी वो कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करेगा तो हमें सॉल्ट देगा हमें सीओ मिलेगा और वॉटर मिलेगा मतलब CO2 गैस इवॉल्व होगी सो अगर हमने इसका रिएक्शन कराया एन के साथ तो हमें मिला अगेन सॉल्ट मिला सोडियम एसिडेड एंड साथ में वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एंड दास्ट टॉपिक वी हियर इज सोप एंड डिटर्जेंट सो सोप सबको पता है डिटर्जेंट सबको पता है सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का एंड देन हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे ठीक है थोड़ी सी मुझे लगता है लेंदी हो गई होगी काफी वीडियो पर चलो चैप्टर तो आपको क्लियर हो गया होगा ना चलो अब सोप क्या होता है केमिकली बात करें सो so, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोला कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोलिक्स एसिड के लॉन्ग चेन में जो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं वो हमारा होगा सोप एंड इट इज अ इट हैज क्लींजिंग अरे कहा चला गया इट हैज क्लिनिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर पानी में इसकी क्लिनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये याद कर ठीक है थीके? हम सोप सोच रहे कोई एग्जाम्पल में कोई लक्स या बीनस ये सब मत लिखाना भाई सोडियम पैलिमिटेड इसका फॉर्मूला याद कर लो सोडियम सीरेटेड इसका फॉर्मूला याद कर लो ये हो गए हमारे सॉल्ट ठीक है दो याद कर लेना बहुत है नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम सोल so, अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें डिटर्जेंट्स क्या है सोडियम सोल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड विद क्लोरीन एंड ब्रोमाइड आयन ऐसे हमारे सोडियम सॉल्ट किसके सल्फोनिक एसिड के जिसमें साथ में क्लोराइड या ब्रोमाइड के आयन्स हैं वो हमारा बनता है डिटर्जेंट इसको एज इट इज याद कर लेना ठीक है चलो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल अब एक सोप का अगर हम मॉलिक्यूल पकड़ के देखो ना तो उसका स्ट्रक्चर कैसा ऐसे ऐसा है ये ऐसे गोल सा ऊपर एक पार्ट दे दिया और साथ में एक्चुअल में ऐसे जिग्जैक जिग्जैक्ट लाइन होती है और यहाँ पे ये हमारे पास ऊपर आ गए तो ये जो ऊपर वाला हमारे ये पार्ट है दिस इज आयोनिक पार्ट इसको क्या बोलते हैं हम आयोनिक पार्ट बोलते हैं और ये हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफिलिक का मतलब सबको पता है जिसको पानी से बहुत प्यार होता है जैसे एक हमारा वर्ड होता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरना जैसे कुछ होता है स्विमिंग से डरते हैं सो हम बोल सकते हैं ये हाइड्रोफोबिक है ये वाटरफोबिक है ठीक वाटर है So, यहाँ पे हाइड्रोफिलिप का मतलब है वाटर हाइड्रोफोबिक का मतलब है हेट्स वाटर सो ये जो आयोनो आयोनिक पार्ट है वो पानी को बहुत प्यार करता है अपने पानी में ही जाना तो अच्छी बात अगर आप पानी को प्यार करते हो एंड ये वाटर सोल्यूएबल है ठीक है लेकिन ये जो इसकी टेल है ना ये जो पूछ है ना इसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद ये हाइड्रोफोबिक है इसको लगता है पानी से डर ये डर के रहता है पानी से ठीक है अब ये क्या है ये है क्या वैसे ये है हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन एंड जैसे ये वॉटर सोल्यूबल है ये हमारा ऑयल सोल्यूबल तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग चीजें हैं और दोनों में कितना फर्क है अब सोप एंड वाटर जब पानी में हम सोप डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं सिंपल सी बात है अभी मैंने बोला ये जो गोल 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 वाले हैं ना इनको पानी से बहुत प्यार है तो अगर यहाँ पे आसपास पानी है तो वो क्या करेंगे सारे पानी के पास कट्ठे हो जाएंगे और ये जो टेल है जिसमें मैंने बताया कि इसको पानी से डर लगता है तो ये अंदर की तरफ कट्टी हो गई हट जाओ भाई पानी से दूर रहो पानी से दूर रहो ठीक है समझ में आ गया तो ये जो यहाँ स्ट्रक्चर बना है ना दिस क्लस्टर इज कॉल्ड मिसेल इसको हम सेल बोलते हैं ठीक है एंड देन बात कर लेते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप इससे बेस क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने अलग से इसको ले लिया है अब वो कह रहे हैं ये जो हम बोलते हैं सोप है हम सबको पता भी ये क्लिनजिंग करता है सफाई करता है तो ये क्या करता है कैसे क्लेंजिंग करता है ये हाइड्रोकार्बन एंड गेट अटैच टू द ऑयल और ग्रीस ऑफ द डर्टी क्लोथ पहन लेना भूल जाती हूँ मैं हाइड्रोकार्बन एंड गेट अटैच टू द ऑयल और ग्रीस ऑफ द क्लोथ हमें पता है कि हमारा ये जो एंड है ये हमारा ऑयल सोल्यूबल है अब ये क्या करता है जैसे ही कपड़े पे गया सो सो ये ही सारे ऑयल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अपने आसपास पास कट्ठे इसके अंदर ट्रैप कर लेता है इसे ही हमने देखा कि पानी में ये इस इस तरह के शेप बनाते हैं अभी देखा हमने मिसाइल बना देखा कैसे आता है मिसिल सो अंदर उसने कर लिया ऑयल को ट्रैप जितना भी डर्ट ऑयल सब है उसको ट्रैप कर लिया ऑयल पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन द मिसल ये जो शेप है हमारी ये जो क्लस्टर है स्ट्रक्चर है इसमें उसने ऑयल को ट्रैप कर लिया When agitated, 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 मतलब कपड़े कैसे धोते हैं ब्रश मार मार के ऐसे रगड़ रगड़ के पूरा ऐसे उसके साथ धोप धोपी पछाड़ करते हैं वो होता है एगिटेटेड इन सोप सोल्यूशन जब ये काम हम सोप सोल्यूशन में करते हैं द ऑयली एंड ग्रीजी पार्ट ट्रैप्ड इन द मिसेल गेट डिस्पर्स इन वॉटर तो जितने ऑयल पार्टिकल्स और इसमें फंस जाते हैं ना वो क्या करते हैं साथ के साथ पानी में चले जाते इससे जब भी हम देखते हैं क्या होता है कपड़े तो साफ हो जाते हैं लेकिन जिस पानी में कपड़े धोते हैं वो गंदे हो जाते हैं क्योंकि सारा वो डर्ट वो सब वो कहाँ चला गया नीचे डिस्पर्स हो गया पानी के साथ दस वॉटर बिकम्स डर्टी एंड क्लोथ गेट क्लीन इसलिए हमारा पानी तो गंदा होता है लेकिन कपड़े इससे साफ हो जाते हैं अब भाई डिटर्जेंट की तो कोई बात कर ही नहीं कि भाई अगर सोपी सारे काम कर रहा था तो डिटर्जेंट की क्या जरूरत है लेकिन सोप की कुछ लिमिटेशन है वो क्या लिमिटेशन है इट डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर हार्ड वाटर में वो काम नहीं करता क्यों भाई हार्ड वाटर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो खारा पानी जो होता है वो समझ लो एंड अगर केमिकली बात करें ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है वो हमारा हार्ड वाटर होता है सोप अब ऐसी बात नहीं है कि सोप उसमें काम नहीं करेगा लेकिन जैसे कभी होते सोप में झाग नहीं बन रही हार्ड पानी में उसकी झाग वाग नहीं बनेगी और उसका रीजन क्या है सोप एडेड टू हार्ड हार्ड वाटर वाटर जब उसको में करते हैं ना तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ एंड दे फॉर्म इनसॉल्यूएबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट अब वो क्या करते हैं वो जाके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट जाके रिएक्शन करता है सोप के साथ और स्कम बना देता है स्कम क्या होता है इन सेल एक ऐसी चीज जो डिजोल्व नहीं हो पा रही उसमें हमारे पानी में डिजोल्व वो व्हाइट व्हाइट सा स्कम क्रिएट कर देगा ठीक है नाउ नो लेदर इस फॉर्म कोई यहाँ पे झाग वाग नहीं बन रही सोप की एंड यही सब इसके लिए आगे हमारा डिटर्जेंट राजा कि वो कह रहा है डिटर्जेंट डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये जो हमारा डिटर्जेंट है ये फालतू में जाके कोई कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं कर रहा है ये कह रहा है मैं क्लीनिंग का काम करूँगा चाहे मुझे हार्ड वाटर में डाल दो चाहे किसी भी वाटर में डाल दो मैं क्लीनिंग का काम कर दूंगा ठीक है सो दिस वॉज आर चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड ये चैप्टर होता है खत्म आई एम वेरी सॉरी मुझे पता है आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं चैप्टर लेके आई हूँ बट ट्रस्ट मी आई एम जस्ट वर्किंग फॉर यू गाइज बाकी सब चैप्टर्स की वन शॉट मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूं एंड जो सिलेबस में भी चैप्टर्स नहीं करे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट उसके इस तरीके से हैंड रिटर नोट्स ला जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले पहले मैं आपको जितने चैप्टर्स दे सकूँ वो प्रोवाइड कर दू ठीक है सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो ये हैंड नोट्स के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो एंड वहां से आपको सभी बाकी भी ना ऐसा नहीं आपको कि मैम नीचे पीडीएफ डाल देते बट मैं नहीं चाहती कि आप बाकी चीजें भी मिस करो तो टेलीग्राम चैनल में आपको बाकी चीजें भी मिल जाएंगे सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय